लाइट एंड साउंड शो सर आपने सारनाथ में विकसित किया है, किस तरह से लोगों को आकर्षित करता है ये? लाइट एंड साउंड शो हमने हाल ही में प्रारंभ किया है, उसके माध्यम से पूरी गाथा लोगों को समझा सकें। तो कपिल वस्तु में किस तरह से अब उसे डेवलप करने की कोशिशें हो रही है? प्रत्येक बौद्ध पर्यटन स्थल पर एक मेडिटेशन सेंटर बड़ा स्थापित हो जाए, विपश्यना मेडिटेशन सेंटर, उसकी डिजाइन हम लोगों ने तैयार कर ली। श्रावस्ती एक ऐसी जगह है कि जहाँ सबसे अधिक समय जो है भगवान बुद्ध ने बिताया है, तो श्रावस्ती भी एक काफी अच्छे तरीके से वही विकसित करने की योजनाएं हो रही है, इसके बारे में हमें बताइए। एक तो पार्किंग स्थल है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हमने डेवलप किया है और डोरमेट्रीज वहाँ पर हमने बनाई है, एक लाइट एंड साउंड शो भी हमने श्रावस्ती में स्थापित किया है और बाहर से लोग कैसे वहाँ पहुँच पाए इसके लिए श्रावस्ती का एयरपोर्ट। संकिसा को विकसित करने के लिए किस तरह की परियोजनाएं हैं? जो छोटे सैलानी हैं या छोटे पर्यटक हैं, यानी बच्चे या विद्यार्थी हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं जुटा पाते, तो उसको भी हम लोग थीम पार्क के जरिए स्थापित करेंगे ताकि वो देखते हुए और साथ ही साथ मनोरंजन के माध्यम से सीख सकें। कौशाम्बी भी एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश का है। कौशाम्बी में एक पुराना फोर्ट मिला हुआ है और ये माना जाता है कि कौशाम्बी में कई बार गौतम बुद्ध ने विजिट किया था, उपदेश दिए थे। कुशीनगर एक महत्वपूर्ण भूमि सभी बुद्धिस्ट लोगों के लिए है। कुशीनगर एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी हाल ही में कनेक्ट हुआ है। हमने वहाँ पर 200 एकड़ की एक भूमि अधिग्रहित की है, उस 200 एकड़ भूमि में निजी सहभागिता से PPP मॉडल पे बड़ा थीम पार्क हम बनाने जा रहे हैं। और कुछ डेस्टिनेशन है सर कि जहाँ पर आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देवदह रामग्राम महोत्सव आयोजित करेंगे, हमने कपिल वस्तु महोत्सव अभी आयोजित किया था। बरेली के पास में एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्तूप वहाँ पर निकला है और एक देवगढ़ है जो बुंदेलखंड में ललितपुर के पास में, तो ये सारी जगहें ऐसी है कि जहाँ पर कोई अगर आता है तो न केवल उसको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है बल्कि यहाँ आ कर के वो बहुत चीज़ें सीख सकता है, कैसे तनाव मुक्त रहकर जीवन जी सकते हैं, इसकी आर्ट ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं विपश्यना मेडिटेशन के जरिए जीवन जीने की कला, इसको कैसे सिखाया जाए आम जनता तक, क्योंकि कोई भी विचारधारा किसी के जीवन में कितनी उपयोगी हो सकती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको बताना।